बीजेपी अब बहुमत की ओर जाती हुई नजर आ रही है। हम फिर आपको बता रहे हैं कि ये रुझान है, नतीजे नहीं है, कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा नतीजे सामने आने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में आमतौर पर मानी जा रही थी कि यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन इस वक्त स्थितियां एकदम से तब्दील हो जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 156 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई, कांग्रेस 72 सीटों पर, वहीं छत्तीसगढ़ में बड़ी उलटफेर भी आप इसे कह सकते हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुमत एक घंटे के भीतर दो बार, एक तकरीबन डेढ़ घंटे के भीतर यहां दो बार तस्वीर बदल गई। और लीजिए बड़ा अपडेट, चित्रकूट से दीपक बैज पीछे हैं। यह एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान उनको दी गई थी। इसके अलावा दीपक बैज एक बड़ा नाम, और अब चित्रकूट से दीपक बैज पीछे नजर आ रहे हैं। और ये बड़े बड़े नाम जो पीछे नजर आ रहे हैं, ये क्या संकेत देते हैं, ये तो आप समझ सकते हैं। ललित क्या माने यहाँ पर, जो लगातार बड़े नाम आ रहे हैं और पीछे बीजेपी, बीजेपी बहुमत में नजर आ रही है, ये रुझान आपको बता रही है। बड़ी खबर, पहले अपडेट आपको ये दे दें हम कि लगातार बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 49 बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है, 39 कांग्रेस के खाते में, दो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी बीजेपी का जादू कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। जो मैदान में दिग्गज यहां पर भी उतारे गए, जो खेला यहां पर भी हुआ, उसका शायद ये नजारा। मैं आपको ऋतु बताऊं कि जिस वक्त ओम माथुर ने ट्वीट किया था, तब से मैं लगातार ये कह रहा हूं कि ओम माथुर जैसा व्यक्ति अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो उसके कई मायने हो सकते हैं। एक बार फिर 49 पर बीजेपी यहां नजर आ रही है, 39 पर कांग्रेस नजर आ रही है, 90 में से 90 सीटों के रुझान छत्तीसगढ़ में, न्यूज 18 लगातार आपको बता रहा है। छत्तीसगढ़ में रुझानों में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस जहां लीड कर रही थी, अब बीजेपी 50 पर पहुंच गई है। रुझानों में भी बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, उसी के साथ साथ राजीव चक्रवर्ती की मुस्कान बढ़ रही है। और 50 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे, 38 पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है, दो सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बहुत दिलचस्प हो चले हैं चुनाव छत्तीसगढ़ के। मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बीजेपी नजर आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में ये क्या हुआ, ये एक सबसे बड़ा सवाल। बीजेपी 50 पर, कांग्रेस 38 पर, जबकि दो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। राजीव जी लौटती हूँ आपके पास। मध्य प्रदेश की भी लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 158 पे बीजेपी आ चुकी है, 71 पे कांग्रेस नजर आ रही है, तो वहीं अन्य के खाते में एक, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है बीजेपी का। लगातार जैसे जैसे काउंटिंग होती जा रही है, पन्ने खोलते जा रहे हैं बीजेपी के आंकड़ों का, आंकड़े सामने आ रहे हैं। अरुण साहब ने आखिर इस बीच क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को स्पष्ट रूप से यह महसूस हुआ कि छत्तीसगढ़ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही सुरक्षित रह सकता है, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। और इस वक्त आपको एक और बड़ा अपडेट जो तेलंगाना से मिल रहा है, वहां पर भी लगातार नजर बनी हुई है। तेलंगाना पहुंची हुई है सहयोगी जसप्रीत, और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष के घर के बाहर इस वक्त वो हैं। जसप्रीत, क्या कुछ अपडेट, बड़ा उलटफेर, हालांकि कुछ एग्जिट पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। जसप्रीत, ठीक वहां पे जाएंगे जानकारी लेंगे। ललित, एक और दिलचस्प बात, एक और सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी की, देखिए 50 यहां पर हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, 50 सीटें होती हुई बीजेपी की यहां पर नजर आ रही है, 38 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में दो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या कुछ कह रहे हैं इसी बीच, सुनिए। आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं, MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है
जब सड़कों पर अपनी जान बचाने, अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे, दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं हम सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने, ऐसी गैस ट्रेजडी फिर ना दोहराई जाए, हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा, मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजडी ना हो इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। अभियान तो यही एक बात जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाकियों से अलग करती है, उनकी विनम्रता, उनकी सहजता। इस मौके पर भी इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बावजूद वो ये नहीं भूले कि आज भोपाल के दर्द का सबसे बड़ा दिन है। आज गैस त्रासदी और उस गैस त्रासदी के जिन लोगों की जान गई उन्हें श्रद्धांजलि भी मुख्यमंत्री ने दी। चुनावी अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से पीछे चल रहे हैं, दतिया सीट पर यह बड़ा अपडेट, और अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव भी पीछे चल रहे हैं। दो बड़े अपडेट आपको बता दें, डेप्यूटी सीएम अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं, दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव, टैली पे ऊपर नजर मारिए, 90 में से 90 सीटों का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब मेरा ख्याल है कि एक बार हमें अवंतिका का भी रुख करना होगा। अवंतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीटें जहां पर दिग्गजों को आप देखेंगे। आप टीएस सिंहदेव का जिक्र कर रहे थे, आप भूपेश बघेल का जिक्र कर रहे थे, मोहन मरकाम का जिक्र भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें महज 5 वोटों से वो आगे चल रहे थे, आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के और इसके साथ इस तरह की पोजीशन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर अब यही जानकारी है कि सीधे तौर पर आगे चलते हुए, लेकिन टीएस सिंहदेव, इन्हें लेकर एक आंकड़ा सामने आया है, कुछ वीआईपीज जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं उनके लिए सीधे आपको बता देते हैं। टीएस बाबा ट्रेलिंग के तौर पर सीधे नजर आ रहे हैं, विष्णुदेव साय लीड कर रहे हैं, ननकी राम कंवर का भी नाम है ये भी पीछे चल रहे हैं, शविंदर कर्मा ये भी पीछे चल रहे हैं, नारायण चंदेल को लेकर ये जानकारी कि वो लीड लेते हुए। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे खासे बहुमत के साथ आगे बढ़ते हुए रुझानों में, और बहुत ज्यादा जरूरी उन चेहरों को देखना हो जाता है क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा पीछे है और कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि घंटों से हम ये नाम देख रहे हैं। मोहन मरकाम का आप जिक्र कर रहे थे, ट्रेलिंग यानी कि पीछे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दीपक कुमार बैच पीछे चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा दांव प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए उन्हें खेला है
हैं, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा चेहरा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में रुझानों में पीछे चलता हुआ। एक और बड़ा अपडेट देखिए, सबसे ताजा अपडेट ये है कि जो बुधनी विधानसभा है वहाँ पे सीएम शिवराज तीसरे राउंड के बाद 14,000 वोटों से आगे चले, 14,000 वोटों से आगे चलते हुए लाडली बहनों के लाडले भैया। और मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर, वीआईपी सीटों को लेकर अगर मैं बात कर लूं तो लीडिंग और ट्रेलिंग स्टेट में, यानी कि जो पीछे चल रहे हैं नाम, उनके उन्हें लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। माया सिंह बीजेपी की तरफ से लीड करती हुई, प्रद्युम्न सिंह तोमर को आप देखेंगे लीड करते हुए, वो तो अच्छे खासे मतों के साथ भी आगे चल रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव पीछे छूट रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत लगातार इस स्थिति पे मैं नजरें गड़ाई हुई थी कि मोहन यादव को लेकर क्या कुछ आंकड़े सामने आते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं, दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रहलाद सिंह पटेल लीड करते हुए, राष्ट्रीय स्तर का नेता है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का आंकड़ा जब आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों को लेकर इस प्रकार की स्थिति जब बनती है तब मध्य प्रदेश में जब आप देखेंगे कि दिलचस्प फाइट होने वाली थी, प्रचंड बहुमत की ओर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में दूसरी तरफ बीजेपी अच्छी खासी लीड लेती हुई रुझानों में। एक बार फिर से आपको वॉल दिखा देते हैं, ये महत्वपूर्ण चेहरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के, इन्हीं के किस्मत का फैसला, ये राष्ट्रीय स्तर के नेता जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे थे। लहार की आप बात करते हैं, टी एस सिंहदेव की आप बात करते हैं, अलग अलग लोरमी की आप बात करते हैं, अलग अलग आंकड़े, अलग अलग समीकरण सीधे अपडेट आप तक मैं पहुंचा रही हूं। और यहां पर भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जल्द से जल्द कुछ कुछ ऐसी सीटें जहां पर रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, सबसे पहले आप तक बात पहुंचाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, टी एस सिंहदेव का भी आपने जिक्र कर दिया, और यहां पर एक बात ये भी दिलचस्प कि टी एस सिंहदेव और उनके सामने जो अग्रवाल साहब है, किसी दौर में बड़े रिश्ते हुआ करते थे और अब सियासत में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। सीधा रायपुर चलने का वक्त हो गया, मरीन ड्राइव आपको लिए चलने का वक्त हो गया है। अभिषेक आपको नजर आ रहे होंगे, अब सीधा अभिषेक के पास आपको लिए चलते हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। मेरा ख्याल है कि 1.5-2 घंटे में इतना लंबा आपका तजुर्बा है, 1.5 घंटे में इतनी हेर फेर आपने मेरा ख्याल है कि नहीं देखी होगी। जी प्लीज ललित, मुझे 2013 का चुनाव याद आ रहा है। 2013 में भी कुछ ऐसे ही उलटफेर हो रहा था, 1 बजे तक कोई और पार्टी कार्यालय में पटाखे फूट रहे थे और 1 बजे के बाद ये शिफ्ट हो गया, दूसरी पार्टी कार्यालय में पटाखे फूटने लगे थे। तो बहुत जल्दबाजी छत्तीसगढ़ के लोग नहीं कर रहे हैं, और मेरे साथ जो मेहमान हैं वो भी यही चर्चा कर रहे थे कि अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उलटफेर होते लोगों ने देखा है। धनंजय जी, 2013 से हम तुलना करें कुछ ऐसी लग रहा है यहाँ पर कांटे की टक्कर आगे पीछे? हाँ बिल्कुल, वही स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि जो इस प्रकार से मतदान हुए हैं, जिस प्रकार से गिनतियाँ चल रही है, 1-2 राउंड के बाद जो स्थितियाँ हो रही है, तो वही स्थितियाँ हैं। और ये निश्चित तौर पर आप देखेंगे, ये 2 बजे के करीब एक बात स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस या पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में रहेगी, ये भी तय हो जाएगा। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, भूपेश बघेल जी का चेहरा है, और सरकार के जो काम है उस पर जनता मुहर लगा देगी। और ये मैंने कहा कि शुरुआती रुझान में जरूर भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहन बैठी हुई है, उनको खुश होना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए भी खुश होना चाहिए कि उनको जनता जो आगे विपक्ष में बैठाने के लिए अवसर देगी। आप लोगों को मजबूत विपक्ष धनंजय जी मान लिए, किरण जी? मुझे लगता है अभिषेक जी, धनंजय जी कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं प्रेडिक्शन करने में। मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा, और जो आंकड़ा मुझे लगता है 14-15 पिछले बार जो हमारी हालत थी, मुझे लगता है अब वो कांग्रेस के ऊपर ये बीतने वाली है। और ये बात सही है कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन रुझान जिस तरह से दिख रहे हैं, हम लगातार भाजपा सभी सीटों में आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है आने वाले आधे एक घंटे में और क्लियर हो जाएगा, और भाजपा जिस वजह से आगे बढ़ रही, मुझे लगता है अपनी जो बढ़त है बरकरार रखेगी, और निराशा हाथ लगेगी धनंजय जी के। किरण जी, ये हम बात कर रहे थे बार बार, एमपी का भी फिगर देख रहे हैं, 154 बीजेपी यहाँ दिख रही है और 53 यहाँ आप दिख रहे हैं, यहाँ हालांकि रुझान है दोनों ही जगहों पर, और क्या फिगर आता है फाइनल ये आगे पता चलेगा, लेकिन महिलाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। आप भी मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी आप लोग अगर टक्कर दे रहे हैं तो महिला वोटर का बड़ा योगदान है? बिल्कुल अभिषेक जी, आज जैसे मॉडर्न वर्ल्ड है, 21वीं सदी की बात करें तो महिलाएं, छत्तीसगढ़ की बात करें या पूरे भारत की, तो आधी आबादी कंस्टिट्यूट करती हैं और बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा कर रही हैं। पिछले 2-3 इलेक्शन को देख लीजिए, लोकसभा को भी हम देख सकते हैं, तो महिलाएं बहुत ही निर्णायक भूमिका में रही हैं, और इस बार भी मुझे लगता है कि
इस बार के पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार महिलाएं निर्णायक भूमिका में रहेंगी, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो महिलाएं निश्चित तौर पर एक निर्णायक भूमिका रहेगी। और जिस वजह से हमारे मोदी जी ने महिला रिजर्वेशन का जो बिल पास कराने की बात कही, ये भी एक निर्णायक भूमिका रहेगी महिलाओं की। पहले मुझे रिजर्वेशन से ज्यादा आपकी महतारी और गृह लक्ष्मी का ज्यादा असर दिख रहा है। धनंजय जी, आप भी मानेंगे कि महिला वोटर निर्णायक साबित होंगी? देखिए, ये तो तय है कि महिलाओं को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे केंद्र में रिजर्वेशन बिल लाकर किया हो, क्योंकि पहले बार कोई देखा जा रहा है देश में कि जो बिल आज पास हो जाता है उसका लाभ आपको 20 साल बाद मिलेगा। तो ये ठगने से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई आज आपने बिल ला दिया है, और बिल ला के मुझे तो अगर इनको वाकई में महतारियों के वंदन करने की इनकी मनसा होती तो इसी विधानसभा में वो बिल लागू हो जाता, विधानसभा के चुनाव में, लेकिन इनकी मनसा तो कभी रही नहीं है। और जिस प्रकार से महतारी वंदन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये तो महतारी वंदन यहाँ चलेगा नहीं। लेकिन किरण जी से पूछना चाहता हूँ, आप तो यहाँ पे विपक्ष में रहेंगे लेकिन सेंट्रल में कम से कम 3 महीना आपकी सरकार रहेगी, तो क्या महतारी वंदन को पूरे देश के लिए क्या लागू करेंगे? आप यहाँ पे 500 रुपये सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं छूट, क्या आप तो यहाँ पे सरकार में नहीं आ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर की माताओं और बहनों को 500 रुपये सिलेंडर में छूट प्रदान करेंगे क्या? जिस प्रकार से यहाँ पे बातें कही गई है, किसानों को 3100 रुपये धान कीमत देंगे क्या? ये चीजें समझ में आ जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम धोखा देना है और वादा तो कहीं करके पूरा करते हैं। तो धनंजय जी, ये जो फिगर है दिख रहा है, फिलहाल रुझान जो दिख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आप जो बोल रहे हैं कि ठगने में कामयाब दिख रही? नहीं, इस फिगर में ही मैं बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे माता बहनों ने उस ठगने वाली जो स्थिति थी उससे दूर है। और ये फिगर बदलेंगे, फिगर इसलिए बदलेंगे क्योंकि अभी 2 राउंड हुए हैं, किसी भी हर विधानसभा आप देखेंगे कि मतदाता अब बढ़े हुए हैं। जैसे पश्चिम विधानसभा की हम बात कर लेते हैं, लास्ट टाइम वह 2,50,000 के आसपास मतदाता थे, इस बार 2,86,000 के आसपास मतदाता है। तो बड़ा एक मतदान जो हुआ है, मतदान के साथ साथ जो राउंडे बढ़ी हुई है, तो हमें इंतजार करना चाहिए, फिगर बदलेंगे, फिगर में चेंजेस आएंगे किरण जी। और ये फिगर में चेंजेस पहले भी देखे गए हैं यहाँ पर। घोषणा पत्र कितना अहम रहा है, अगर आप लोगों की बात करूं मैं इस बार यहाँ पर? निश्चित तौर पे पिछली बार कांग्रेस अगर सत्ता में आई थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने घोषणा पत्र के भरोसे, और मुझे लगता है अभिषेक जी फिर इस बार भी भाजपा का घोषणा पत्र बहुत अहम भूमिका निभाएगी भाजपा को शासन में लाने के लिए, सत्ता में लाने के लिए। जितनी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जिस वजह से कांग्रेस की सरकार ने छला है महिलाओं को, युवाओं को, तो पूर्ण विश्वास करेगी छत्तीसगढ़ के युवा, महिला और कर्मचारी। और मुझे लग रहा है वापस भाजपा छत्तीसगढ़ में शासन करने वाली है, और जितनी निराशा हुई है छत्तीसगढ़ की जनता को पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा, मुझे लगता है जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुकी है। और अगर जनता को निराशा होती तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी 3100 रुपये धान के समर्थन में घोषणा करते, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने काम किया। नरेंद्र मोदी जी की बात करें, आपके स्वयं के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, 12,000 की घोषणा के तुरंत बाद 2 दिन के बाद ट्विटर के माध्यम से वो 15,000 की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपके मुख्यमंत्री भयभीत है, मुख्यमंत्री भयभीत है कहीं महिलाएं वोटर भाजपा की तरफ ना खिसक जाए। वो तो घोषणा पत्र में भी इंक्लूड नहीं कर पाए, ट्विटर के जरिए इनको घोषणा करना पड़ा। इतने भयभीत है आपके मुख्यमंत्री रिजल्ट को लेकर धनंजय जी, इतने भयभीत है कि अनन फनन में ट्विटर के माध्यम से दूसरे दिन जारी करते हैं कि 15,000 देंगे। नहीं, हमारे गृह लक्ष्मी योजना तो प्लान के हिस्सा था, लेकिन आप बताइए ना, 10 साल में जिन माता बहनों से आपकी सरकार ने 410 कांग्रेस का सिलेंडर जो मिलता था कांग्रेस सरकार में, 1200 रुपए लिए छत्तीसगढ़ में घुटना क्यों टेकना पड़ा आपको? क्यों घुटना टेकना पड़ा नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ में आकर? क्योंकि कांग्रेस ने धान की कीमत दिया, कांग्रेस ने सिलेंडर में छूट दिया, कांग्रेस ने महिलाओं के लिए योजना लेकर आया, तब आपको छत्तीसगढ़ हिमाचल के चुनाव में भूपेश बघेल जी बोले थे अगर हिमाचल में कांग्रेस आती तो 500 में सिलेंडर मिलेगा, तो क्या वहाँ मिलना स्टार्ट हो गया? राजस्थान में मिल रहा है, हिमाचल में मिल रहा है, कर्नाटक में गारंटी लागू हो गई है, पर नरेंद्र मोदी जी 15 लाख आज तक नहीं दे पाए, पर नरेंद्र मोदी जी किसानों का आमदनी आज तक नहीं बढ़ा पाए। बड़े आश्चर्य की बात है। एक सवाल जो फिगर को देख के समझ में आ रहा है, मैं आप दोनों से करना चाहूंगा, हालांकि रुझान ही है, लेकिन रुझान में बड़े चेहरे बहुत सारे पीछे दिख रहे हैं, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, ये क्या माजरा है धनंजय जी की? क्या बड़े चेहरे वो कमाल क्यों नहीं दिखा पा रहे दोनों ही दलों के?
देखिए जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो सभी अपने क्षेत्र में जीतेंगे। मैंने हमेशा एक बात हमेशा कहा है, जब से चुनाव के बात हुई, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो इसलिए हम जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं मुकाबले की, तो हम उसको कभी कमतर नहीं आंकते हैं, हम उसको अपने बराबरी के मानते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, पिछले चुनाव परिणाम अगर हम देखते हैं 2018 का, तो कहीं हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 30-35-40 हजार वोट मिले हैं, ऐसा नहीं उनके पास वोट नहीं था। स्वाभाविक सी बात है, राउंड्स के बात है, राउंड्स अलग अलग बूथ में अलग अलग। मैं ये जानना चाह रहा था क्या बड़े चेहरों को टक्कर मिली, बहुत आसानी से सीट नहीं निकाल पा रहे कोई भी बड़ा चेहरा? नहीं नहीं, हमारे जितने भी बड़े चेहरे हैं, जितने भी हमारे कद्दावर नेता और सरकार में जो मंत्री हैं, सारे के सारे लोग जीत रहे हैं। और ये पहला दूसरा राउंड है, अभी तो तीसरा राउंड शुरू भी नहीं हुआ है, तो ये कह पाना कि बड़े चेहरों को जनता ने नकार दिया, बड़े चेहरों को टक्कर दी, ये भी कहना ठीक बात नहीं होगी, बहुत जल्दबाजी होगी। पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और भी जिस प्रकार से यहाँ पे जो वोटर्स आए हैं, जिस प्रकार मतदान हुआ है, ये चीजें बता भी रही है। किरण जी, आप क्या लगता है, बड़े चेहरों की अपेक्षा नए चेहरों को लोग ज्यादा पसंद करते? निश्चित तौर पे अभिषेक जी, नए चेहरे पे जनता नई उम्मीद नई आशा की नजर से देखती है, और उनकी जीत का जो परसेंटेज ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम पुराने चेहरों को नकार नहीं सकते, उनके पास अनुभव होता है, उनको कार्य करने का अनुभव रहता है, चुनाव का अनुभव रहता है। तो ये तो शुरुआती मेरे ख्याल से शायद एक या दो राउंड का रिजल्ट है, तो मुझे लगता है आगे आने वाले राउंड्स में जो हमारे शायद एक कुछ छत्तीसगढ़ बड़े करीने से इस भ्रम को साफ कर देता है कि कोई मतदाता से ज्यादा बड़ा हो गया है। लगातार ये चर्चाएं आपके पास भी हम आएंगे बहुत सारे सवालों के साथ, और ये चर्चा मरीन ड्राइव से लगातार जारी है, फिर एक बार मरीन ड्राइव भी आपको ले चलेंगे, लेकिन इस वक्त चर्चाओं के दौर को थोड़ा सा देश के जो राजधानी है वहां की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ भी बने हुए हैं, राजीव जी बने हुए हैं, सुरेंद्र जी बने हुए हैं। सबसे पहला रिएक्शन तो सुरेंद्र जी आपके पास, स्थितियां एकदम बदलती हुई, 56-32। ललित जी, शुरुआती रुझान है, मैं कहना चाहता हूं कि ये जल्दबाजी होगी, निश्चित तौर पर जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और जो कांग्रेस के नेताओं के संदर्भ में जहां तक बात कही जा रही है, भूपेश बघेल जी भी जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे, दीपक बैज भी जीतेंगे, और ये छत्तीसगढ़ में परंपरा रही है, जो नेता हैं, कई नेता ऐसे हैं 5 बार 6 बार 7 बार जीतने वाले भी हैं और 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, तो कांग्रेस के राजीव जी की मुस्कान एकदम चौड़ी हो रही है जब आप बोल रहे हैं कि बड़े नेता हमारे जीतेंगे। दरअसल कोंडा गांव कोंटा, यहां पर 70-80 वोटों से जो लीड है या पीछे होना है वो दिखा रहा है, ये बड़ा हैरत में डालता है। मेरे ख्याल से कोंडा गांव का तो ट्रेडिशन भी रहा है कि 2 बार से ज्यादा वहां विधायक रिपीट नहीं हो पाते। राजीव जी प्लीज। देखिए ललित जी, आपको एक मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था तो छत्तीसगढ़ इतनी फर्टाइल, जो कहना चाहिए कि लैंड, कांग्रेस की एक उर्वरा भूमि थी, और कांग्रेस के लोग यहाँ विकास नहीं करते थे कि लोग पिछड़े रहे, सड़कों से दूर रहे, 3 दिन की वर्षा में कट जाता था छत्तीसगढ़ पूरे देश से। तो वो छत्तीसगढ़ के हालात थे, कांग्रेस ने बना के रखा था कि हमारी जागीरदारी रहेगी। उस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछले बार हार गई, हमने नम्रता से हार को स्वीकार किया, और आज भी मैं कहता हूं जो छत्तीसगढ़ में मैंडेट है, जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे धनंजय जी कांग्रेस के, कि महतारी वंदन योजना, गृह लक्ष्मी योजना, हम जब चुनावी मैदान पर गए ऋतु जी, महिलाओं ने कहा कि गली गली गांव गांव में शराब के ठेके खोल दिए गए। ये कांग्रेस पार्टी हम महिलाओं को क्या समझती है? शराबबंदी की कस्में खाने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि गली गली में देशी शराब, प्रीमियम लीकर शॉप, और गांव गांव में, ये कांग्रेस पार्टी है जिसके खिलाफ ये जो आप देख रहे थे कि बड़े दिग्गज, तो दिग्गज आप इतनी नाकामियां गिना रहे हैं कांग्रेस की, अगर ऐसा था तो फिर पीछे करना ही नहीं चाहिए था ना 2018 में। ऐसा नहीं, देखिए जनता, देखिए जनता जनार्दन है, हम तो नम्रता से स्वीकार करते हैं, बदलाव तो चाहती थी जनता, कमियां 3 बार नहीं। देखिए मैं ऋतु जी बात को समझिए, कांग्रेस की फर्टाइल लैंड छत्तीसगढ़, उस भूमि पे हम पहले चुनाव लड़ते थे केवल प्रचार के लिए, हमको मालूम रहता था हम चुनाव में लड़ रहे हैं हम हारेंगे, वो स्थितियां थी 1956 से लेकर सन 90 तक। उसके बाद हम हिसाब से देखा जाए तो साइकिल पे 2 सांसदों वाली पार्टी और मेहनत करने वाले लोग आज लोकसभा में प्रचंड जनादेश के साथ बैठे हुए हैं। बड़े हैरत की बात है कि अटल जी अब पोस्टर में रहते नहीं, जबकि नमन आप उन्हें हमेशा करते हैं। सुरेंद्र जी आपका प्लीज एक कमेंट।
ललित जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात कही, भारतीय जनता पार्टी का अधिनायक बात, ये देखिए अब बड़ी बड़ी बात करेंगे। 15 साल रमन राज की उपलब्धि बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, 9.5 साल के कार्यकाल मोदी सरकार का कोई मंत्री नहीं बता पाया, दर्जनों मंत्री, मैं तो समझता हूँ पिछले 2-2.5 महीने चुनाव अभियान में भाजपा के लगभग 50 मंत्री छत्तीसगढ़ आए, किसी ने विषय पर बात नहीं की, केवल फर्जी आरोप। अब ये कह रहे हैं रमन सरकार में ये हुआ वो हुआ, शराब का सरकारीकरण करने वाले तो रमन सिंह थे, पूरे देश में गोवा के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचाए थे, आज 17वें नंबर पर है, तो इनको तकलीफ हो रही है, गली गली में हुक्का बार खोलने वाले यही थे। और हमारी सरकार ने तो कम किया, 103 दुकानें बंद किए, खपत में कमी आई, अंग्रेजी शराब, देसी शराब, और उस दिशा में जो है शराबबंदी नहीं, हम तो नशाबंदी की बात करते हैं। तो ये चुनाव अभियान चला तो केवल झूठ और झूठे आरोप लगा के चुनाव लड़े, और अब ये बात कर रहे हैं 15 साल तो उपलब्धि नहीं बताया 15 साल की रमन सिंह की, चुनाव अभियान में छत्तीसगढ़ का कोई भी भाजपा नेता आगे नहीं किया गया था इनके चेहरे पे। ललित जी, 3 मैंडेट जनता इतनी नाकारा नहीं है कि हमको जो 3 जनादेश दिया था वो 3 जनादेश था विकास का, डेवलपमेंट का, वो 3 जनादेश था कि हमने कानून व्यवस्था ठीक की, 3 जनादेश था कि हमने सड़कों की मरम्मत की, सड़कों को ठीक किया, छत्तीसगढ़ को जोड़ा हृदय से, दिल्ली से, भोपाल से, पूरे देश और दुनिया से। आप देखिए पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ा है तो हमारी 3 वर्ष की सरकार के कारण, इन्होंने तो 86,000 से 1,33,000 पानी, 1,33,000 प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, पूरे देश में अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर, कृषि, उत्पादन और सेवा, तीनों में राष्ट्रीय सबसे बेहतर है छत्तीसगढ़ का। रमन सिंह के भ्रष्टाचार और घोटालों की भेंट चढ़ी थी, कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत, और इनके फोकस में कमीशन खोरी थी, घटिया मोबाइल, घटिया टिफिन, अनुपयोगी एक्सप्रेस वे। सुरेंद्र जी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो 3 जनादेश था उस 3 जनादेश में, ललित जी 2013 की चर्चा हो रही थी, 2013 में लगभग यही स्थिति थी। कुछ तस्वीरें देख ली जाए, चलिए बेहतरीन तस्वीरें है ये, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, पौधा वो रोपते हैं, और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रासदी का जिक्र भी किया, और अब वो पौधा रोपते हुए नजर आए हैं। हालांकि लंबे अरसे से जो 2003 में, अगर ये माना जाए कि 2003 में साध्वी ने जो पौधा मध्य प्रदेश में रोपा था, उस पौधे को वृक्ष बनाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है एक बार फिर, आंकड़े तो ऋतु कुछ इस तरीके से ही कह रहे हैं, आंकड़ों की भी बात कर लेंगे, लगातार टैली इस वक्त चल रही है, 230 में से 230 के रुझान, 154 पर बीजेपी, 73 पर कांग्रेस, 3 अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन बड़ा फेरबदल इस वक्त रुझानों के हिसाब से, नतीजे भी हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में 90 में से 90 के रुझान, 55 पर बीजेपी, 33 पर कांग्रेस, बाकी राज्यों में भी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहां सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई, और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहां ठीक से हमने इंप्लीमेंट किया, और जो यहां योजनाएं बनी लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए, और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहां साथ मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री,
उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। लाडली बहना ने जिंदगी बदल दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर से कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी पर तो भरोसा किया ही किया है, हमारी योजना पर भी मध्य प्रदेश की जनता ने भरोसा किया है और बहुमत के साथ, संपूर्ण बहुमत के साथ हम आ रहे हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इससे ज्यादा ही होंगे और ये हकीकत में तब्दील भी होंगे। कुछ थोड़ा इंतजार करना होगा पर ऐसे ही आंकड़े सामने आएंगे। ललित, लाडली बहना का लगातार जिक्र हो रहा है और उसका इंपैक्ट जो है बहुत शानदार मध्य प्रदेश में इस बार देखने को मिला है, क्योंकि बहनों पर तो इसका असर पड़ा ही पड़ा, पूरे परिवार पर कहीं ना कहीं इसका पूरा असर देखा गया। जैसे टर्निंग पॉइंट ओम माथुर साहब का ट्वीट था छत्तीसगढ़ को लेकर, एक और टर्निंग पॉइंट, एक और तस्वीर जो मध्य प्रदेश के चुनाव के लिहाज से याद करनी चाहिए, 17 तारीख की शाम को जब मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लाडली बहनों ने कांटा निकाल दिया है, लाडली बहनों ने कांटा निकाल दिया है। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव जी, सुरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा दो और बेहद खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे तारुफ भी कराएंगे, उनसे कमेंट भी लेंगे। रुद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर बहुत स्वागत आपका। गुर्जर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आपका एक कमेंट रुद्रा सर, चर्चा हो रही थी, जवाद साहब बीच में बैठे हुए थे, आपने कहा कि करंट तो लगेगा, प्लीज आगे। तो देखिए करंट आज लग गया है और करंट ऐसा लगा है कि मुझे लगता है कि ये करंट का असर 2024 तक रहेगा और 2024 के बाद भी जो अन्य राज्यों के चुनाव होंगे वो वहाँ तक रहेगा। तो हालांकि वो आज है नहीं, होते तो मुझे समझ में आता कि